तो दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिले, थोड़ा ईजी होगा आपके लिए। डाटा क्रोज में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 105,128 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल मात्र 88,488 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 110,577 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने मिला साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 110,577 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर मात्र 108,517 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट अनुमान लगा के बैठा था उससे 2% ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको आता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या हुआ देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1,649 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 86,415 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 104,493 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑनलाइन एवेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3,832 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 3,043 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,145 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 135% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं कि मतलब डबल के आसपास है, 90% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने में। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया 7,145 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 4,557 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है मार्केट के एस्टीमेट को एक अच्छे खासे पैमाने पे बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 9.81 रुपये के आसपास, पिछले साल 7.71 रुपये, अभी देखें तो 18.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें नंबर बहुत शानदार बहुत भयंकर आपको देखने को मिले, और मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे 2% ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू दिया है, और जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।